नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। मूवी रिव्यू करेंगे ड्रीम गर्ल 2। मूवी की कहानी की बात किया जाए तो ओ भाई, कहानी तो इसमें है ही नहीं। जिसने भी इस मूवी का कहानी लिखा है, सुट्टा मार मार के कहानी लिखा है, कोई मतलब ही नहीं बनता है इस कहानी। कभी भी कुछ भी कहीं भी हो ही जा रहा है, कोई भी कुछ भी करी जा रहा है। सिर्फ कहानी जिसने भी इस मूवी का लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन स्क्रीन प्ले एकदम जबरदस्त है। एक्टिंग की बात किया जाए, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं सभी ने अपना बहुत ही अच्छा काम किया है। बस एक अनन्या पांडे है जिसके मुंह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्पिरेशन रहता है, गुस्सा हो, प्यार जताए, हंसे, एक ही जैसे उसका रत्ती भर भी फर्क नहीं आता है उसके चेहरे। इस मूवी के पंच लाइन बहुत सारे हमें हंसाता है, गुदगुदाने में कामयाब होता है इस मूवी के पंच लाइन। लेकिन बॉलीवुड का मूवी है, फिर अगेन वही बात, बिना मतलब का एजेंडा, वही LGBTQ वाला एजेंडा। लेकिन इस तरीके से एजेंडा चलाता है कि आदमी को पता भी नहीं लगे और आपके दिमाग में घुसा एकदम आराम से। उसके बिना तो बॉलीवुड फिल्म पूरा ही नहीं होता है आजकल। उसमें LGBTQ तो डालना ही डालना है, और आयुष्मान खुराना की मूवी में आजकल ये तो डालना ही डालना होता है। हिंदू घृणा, हाँ, ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएगा, है इस मूवी में, जो बॉलीवुड का परम कर्तव्य है। वहाँ पे बिल्कुल लॉजिक काम करता है इसका, एकदम सटीक। 2 घंटे के आसपास की मूवी है। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी को हॉल में ही जाके देखनी चाहिए। OTT पे आएगा तब देख लेना, मोबाइल पे आएगा तब देख लेना, कोई बात नहीं, आराम से देख लेना। देखना है तो जाके देख सकते हो आप मूवी, लेकिन दिमाग लेके बिल्कुल भी मत जाना हॉल में, आपके दिमाग का बिल्कुल दही कर देगा ये। हंसाएगा लेकिन दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग यदि घर रख के जाओगे तो बिल्कुल आप हंसोगे मूवी देख के, आपको अच्छी तरीके से गुदगुदा आएगा मूवी, उसमें तो मूवी कामयाब हो जाता है। जो बिना मतलब का कैरेक्टर हरकतें करते रहता है उसके ऊपर हमें हंसी आता है। मूवी में कंटेंट में कोई दम नहीं है जिसकी वजह से हम हंसेंगे। वो सुट्टा मार मार के ऐसा कहानी लिखा है, बस उस पर हंसी आते रहता है। जिसने मूवी लिखा है उसने ही जब सीरियसली नहीं लिया इस मूवी को, तो हम आप क्यों लें इस मूवी को सीरियसली। जाकर देखना है तो जाइए और शांत मन से देख लीजिए और आइए, भूल जाइए। यदि आपको फुल इंटरटेनमेंट चाहिए तो जेलर लगा है थिएटर में, वो जाके देख सकते हैं। गदर देखिए और इन्जॉय करिए। मेरे तरफ से इस मूवी को 5 में से 2 स्टार। वो 2 स्टार इसलिए क्योंकि कभी कभी गुदगुदाता है मूवी, बस उसके बाद तो जरा सा भी लॉजिक नहीं है, पता नहीं क्या क्या होते जाता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।